नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीहोर के प्रसिद्ध सिद्ध गणेश मंदिर में भगवान गणेश की नगरी सीहोर में चुनावी शंखनाद किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गणेश मंदिर पहुंचे और उन्होंने गणेश के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर गणेश मंदिर पहुंचने पर सीहोर के समाज सेवी एवं सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सुदीप व्यास ने कमलनाथ को धोती पहनाई और गर्भगृह में पहुंचे और पूजा अर्चना की और गणेश मंदिर परिक्रमा भी पूर्ण किया। सीहोर में कमलनाथ के कार्यक्रम में ऐतिहासिक भीड़ रही। सीहोर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस अवसर पर मंदिर में पूजन करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सीहोर के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, बलवीर तोमर, प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव कंचन शर्मा सहित कई लोग शामिल रहे। हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य। हमारी माताओं और बहनों ने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, पर उनका बच्चा जो भटक रहा है, आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान की अलग दुनिया है। नौजवानों, बहुत खुशी हुई आज सीहोर आकर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। आपने कांग्रेस का सम्मान किया, मुझे बल और शक्ति दी। सीहोर एक प्राचीन नगरी है। सीहोर प्रेम की नगरी है। सीहोर हमारे संस्कृति की नगरी है। सीहोर हमारे शहीदों की नगरी है, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की नगरी है। सही बात है ना? भोपाल सीहोर हमारे संस्कृति का प्रतीक है। हमारी संस्कृति क्या है? भारत की जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज और हर धर्म को जोड़ते रहते हैं। ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। 190 दिन बाद इनको तो हिसाब यात्रा निकालनी चाहिए। हिसाब यात्रा निकाले, ये विकास यात्रा नहीं है, ये विकास यात्रा है। और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर वो प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हमारे सामने चुनौती है नौजवानों की भविष्य की। नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, जो बेरोजगार नौजवान है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र है, पर कृषि क्षेत्र में हम नियम बना के पूरा सिस्टम चेंज करके उसमें सुधार ला सकते हैं, पर जब तक निवेश नहीं आएगा, मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आएगा, तब तक रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। आज आर्थिक गतिविधि बने, सीहोर का बाजार चलता है, हमारे किराने की दुकान चलती है, जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो, आर्थिक गतिविधि अपने प्रदेश में कैसे बने? एक उद्योग लगता है, उससे आर्थिक गतिविधि केवल रोजगार के मौके ही नहीं बनते, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है। तो आज ये सब ठप है। बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट करके, ये मीडिया इवेंट करके, क्या जो निवेश लगाना चाहते हैं उनको विश्वास होगा मध्य प्रदेश की पहचान क्या है?